अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एफएससी, एफसीएस, आईसीएस और एफए के पार्ट वन और पार्ट टू के कितने नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल्स के क्या नंबर्स होते हैं और टोटल नंबर्स आपके कितने होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग को, जिसका कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो इसके पार्ट वन में 520 नंबर होते हैं और जो पार्ट टू के जो थेरी के पेपर हैं उनके भी 520 नंबर होते हैं। तो 520 और 520 कितने हो गए, 1040। बाकी के जो 60 नंबर हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल्स के, जिसमें से 30 नंबर के होते हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स और 30 नंबर के होते हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल। यानी 15 नंबर का फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होता है और 15 नंबर का सेकेंड ईयर में, तो और होते हैं प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के साथ ही हैं। तो ये 30 मार्क्स के होते हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स और 30 मार्क्स के केमिस्ट्री के, और टोटल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1100 होते हैं। उसके बाद जो एफएससी प्री मेडिकल है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके पार्ट वन में होते हैं 505 नंबर, ठीक है, थेरी के। पार्ट टू में भी थेरी के उतने ही नंबर होते हैं, और 505 और 505 कितने हो गए, 1010। बाकी के 90 नंबर किधर हैं जी, उसमें 30 नंबर हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के, 30 नंबर हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के और 30 नंबर हैं बायो के प्रैक्टिकल के। उसके बाद आ जाती है जी एफएससी आईसीएस, ठीक है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है मैथ, स्टैट और कंप्यूटर। तो मैथ, स्टैट और कंप्यूटर जो है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसके पार्ट वन में नंबर होते हैं 525 और पार्ट टू में भी होते हैं टोटल नंबर 525। और इसमें जो प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है पार्ट वन में 25 नंबर का और पार्ट टू में 25 नंबर का। तो 50 नंबर का होता है कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, मैथ का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, स्टैट का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो 525, 525, 1050 और 25-25 नंबर के प्रैक्टिकल, 50 नंबर ये, 1050 और 50, 1100 नंबर जी पूरे हो गए। उसके बाद हम चलते हैं जी एफएससी जो एफसीएस, ठीक है, एफसीएस जिसमें कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ होता है, ठीक है, एफसीएस कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ वाला, ठीक है, जिसको कंप्यूटर ग्रुप भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें जो पार्ट वन है ये, सॉरी, इंजीनियरिंग नहीं होता, ये एफसीएस ही इसको बोलते हैं, या आईसीएस भी, बाज़ जगहों पे इसी को ही आईसीएस बोलते हैं, अदरवाइज आईसीएस जो है वो दूसरा स्टैट वाला होता है। अच्छा, इसके जो पार्ट वन में नंबर्स हैं वो होते हैं 510 और पार्ट टू में भी इसके नंबर होते हैं 510। 510 और 510 कितने हो गए, 1020। बाकी कितने नंबर रह गए, 80। अब वो 80 नंबर जो है उसमें 30 नंबर होते हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के और 50 नंबर होते हैं कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के। अब तक आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर के 50 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल होता है। तो 1020 और 30, 1050 और 50 कितने हो गए जी, 1100 नंबर, ये भी क्या हो गया, पूरा हो गया। तो उसके बाद जनाब रह गए एफए वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले ग्रुप। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कोई भी तीन, कोई से तीन वो ऑप्शनल उठा लेते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात इख्तियारी वगैरह वगैरह। तो इसमें जनाब इनके पार्ट वन में, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, पार्ट वन में 550 नंबर, पार्ट टू में 550 नंबर, और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है तो नो प्रैक्टिकल, ना डोला होसी ना रोला होसी। तो ना कोई प्रैक्टिकल है ना कोई इनका रोला होता है, सीधे सीधे से इनके नंबर होते हैं और 1100 जनाब इनके क्या होते हैं, टोटल नंबर्स होते हैं। तो अब आई होप कि आपको पार्ट वन, पार्ट टू के नंबर्स का और प्रैक्टिकल के नंबर्स का जो आपको मसला था, जो कन्फ्यूजन थी, वो आपकी दूर हो गई होगी। मज़ीद आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।